राज विद्या प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित तीर्थ दर्शन प्रसाद वंदन तथा समाज प्रबोधन पदयात्रा 3 दिसंबर से क्षेत्र काटोल से होते हुए 14 दिसंबर को क्षेत्र सुकड़ी डाकराम पहुंचकर समाप्त हो गई, जिसमें यह यात्रा इस दौरान मंसर रामटेक मोदा भंडारा से होते हुए श्री क्षेत्र सुकड़ी डाकराम पहुंचने वाली है। इस यात्रा का आगमन गुरुवार को पारशिवनी शहर में हुआ, जिसका महानुभव पंथीय समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल सभी ने शहर का भ्रमण किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नगरवासी भाविक भक्त श्रद्धालुओं ने पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया, जहां दत्त मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पारसिवनी से BCN के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।